राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। राजस्थान में कांग्रेस के सचिन पायलट और अशोक गहलोत जैसे बड़े नेताओं ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। पार्टी ने किसानों की कर्ज माफी और लड़कियों को जब तक वो चाहे तब तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जीत कर आती है तो वृद्ध किसानों को पेंशन भी दिया जाएगा और परीक्षा देने जा रहे छात्रों से किराया नहीं वसूला जाएगा। आपको बता दें कि राज्य की सरकार चला रही बीजेपी ने परसों अपना घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें भी कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि किसके घोषणा पत्र में कितना दम है। एक तरफ बीजेपी ने जहां शिक्षित बेरोजगारों को 5,000 का भत्ता देने का वादा किया है तो वहीं कांग्रेस ने 3,500 रुपए का भत्ता देने का वादा किया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का नाम राजस्थान गौरव संकल्प 2018 दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि 250 करोड़ का स्टार्टअप फंड गांव को दिए जाएंगे। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा अगले 5 सालों में 50 लाख जॉब प्राइवेट सेंटर में पैदा किए जाएंगे जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में युवाओं का खास ख्याल रखा है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए युवाओं को किराया नहीं देना होगा, असंगठित क्षेत्र के लिए बोर्ड बनाया जाएगा, रोजगार के लिए आसान कर्ज दिया जाएगा। एक तरफ बीजेपी ने जहां 50 लाख रोजगार की बात की है तो वहीं कांग्रेस ने महिलाओं की शिक्षा को मुफ्त बनाने का वादा किया है। बीजेपी के नौकरी के वादे के मुकाबले कांग्रेस ने कहा कि वो शिक्षा को ऐसा बनाएगी कि युवा नौकरी के लिए सही तरीके से प्रशिक्षित हों। कांग्रेस ने वर्तमान शिक्षा का हवाला देते हुए कहा कि इसकी ऐसी हालत है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद जब छात्र नौकरियों में जाते हैं तो कंपनियों को उन्हें फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ती है। कांग्रेस ने ये भी कहा कि उसकी सरकार आई तो हर जिले में महिलाओं के लिए ITI और पॉलिटेक्निकल खोले जाएंगे। राजस्थान में बीजेपी ने पीएम मोदी के उस वादे को दोहराया जो उन्होंने 2014 में किया था और कहा कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी किसानों का कर्ज 10 दिनों में माफ करने का वादा किया है। आपको बता दें कि राजस्थान की सभी 200 सीटों पर 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव में मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। फिलहाल राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी सरकार है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।